हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बाकी के दो लेआउट जो है हमारे रिसाइकलर व्यू के, होम पेज रिसाइकलर व्यू के, उसे फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमें जो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट और हमारा ग्रिड लेआउट, ओके, ये दोनों जो लेआउट्स है उन्हें हम फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, ये प्रोडक्ट्स मैंने इमेजेस जो है अगेन गूगल से डाउनलोड की है, ओके, गूगल इमेजेस से। ओके, तो ये कुछ ये प्रोडक्ट जो है वो हमें ऐड करने हैं हमारे फायरबेस में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड कर लेते हैं हमारे फायरबेस में। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर में एक्सपोर्ट कर लिए है, हमारे डेस्कटॉप पे वो फोल्डर है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो हम चलेंगे गूगल क्रोम पे, ओके, हमारे डेटाबेस में चलेंगे फायरबेस में, ओके, और यहाँ पे स्टोरेज में आ जाएंगे और अगेन एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ओके, और इसका नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स, ऐड फोल्डर। ओके, अब इसके अंदर हम जो है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर हम सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपलोड फाइल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स, तो मैं सारे अपलोड कर लूंगा, कंट्रोल ए। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे प्रोडक्ट्स जो है इमेजेस ऐड कर लिए हैं सारे प्रोडक्ट्स के। ओके, अब हम चलते हैं डेटाबेस में यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले इसे हम फिल्टर कर लेते हैं इंडेक्स। अब चलते हैं होम पे। ओके, होम पेज पे यहाँ पे हमने टॉप डील्स करके जो है हमारा एक कलेक्शन क्रिएट किया था, तो अगेन टॉप डील्स में आ जाएंगे। ओके, और टॉप डील्स के अंदर हमने तीन जो है तीन आइटम्स ऐड किए थे। एक हमारा बैनर स्लाइडर है, ओके, एंड एक हमारा, एक काम करते इसे भी हम जो है इंडेक्स से ऑर्डर कर लेते हैं, इंडेक्स। ओके, फर्स्ट हमारा बैनर स्लाइडर है और उसके बाद जो है दो हमारे स्ट्रिप एड्स है, ओके, स्ट्रिप एड्स। तो हम एक चौथा, अभी एक चौथा आइटम ऐड करेंगे, ओके, और वो फोर्थ, चौथा आइटम जो होगा वो हमारा लेआउट होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट व्यू लेआउट होगा। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अगेन ऑटो आईडी, और यहाँ पे हम जो है फील्ड्स दे देंगे इंडेक्स। एक तो बाय डिफॉल्ट हमें इंडेक्स देना होता है, नंबर। ओके, एक काम करते हैं इसे 3 दे देते हैं, ओके, और सेव कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 3 है, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो ये दो जो है वो स्ट्रिप एड है, तो ये वाली जो स्ट्रिप एड है उसे हम नीचे ले लेंगे। ओके, तो ये जो स्ट्रिप एड है हमारा, ओके, उसका इंडेक्स जो है हम 4 कर देते हैं, अपडेट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एक बैनर स्लाइडर होगा, एक स्ट्रिप एड होगी, उसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट होगा एंड अगेन एक स्ट्रिप एड होगी। ओके, तो ये हमें थोड़ा अच्छे तरीके से नजर आएगा। ओके, तो अब वापस से हम आ जाएंगे थर्ड पे, यानी कि जहाँ पे हम अपना हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें फील्ड्स ऐड करनी है, तो सबसे पहले इंडेक्स तो कर लिया, उसके बाद हमें व्यू टाइप की फील्ड ऐड करनी है, तो व्यू टाइप। ओके, व्यू टाइप अगेन ये जो है नंबर होगा, और जो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट था उसके लिए हमारा व्यू टाइप इंडेक्स जो था, व्यू टाइप जो इंटीजर सेट किया था वो था 2। ओके, तो ऐड कर लेंगे 2, और अगेन व्यू टाइप और इंडेक्स सबकी स्पेलिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने जो व्यू टाइप ऐड किया था व्यू अंडरस्कोर टाइप था। ओके, तो इसी तरीके से जो है स्पेलिंग हम हर जगह अलग नहीं कर सकते, एकदम सेम केस होना चाहिए और सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। ओके, सारे इनिशियल्स एकदम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे व्यू टाइप ऐड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, मेन जो लेआउट है उसका टाइटल भी ऐड करना है। तो ओके, एक और फील्ड ऐड करेंगे और इसका नाम हम देंगे लेआउट टाइटल। ओके, लेआउट टाइटल, और अगेन ये स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे हम टाइटल सेट कर देते हैं डील्स ऑफ द डे। ओके, डील्स ऑफ द डे। ओके, इस तरीके से टाइटल ऐड करेंगे जो भी हमारे मेन लेआउट को जो टाइटल देना होता है। ओके, उसके बाद हम एक और फीचर ऐड करेंगे, हम वो लेआउट को बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, तो ये हम रन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा बैकग्राउंड। ओके, तो हम ये बैकग्राउंड भी सेट कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए अगेन स्ट्रिंग ऐड करेंगे लेआउट बैकग्राउंड।
ओके लेआउट बैकग्राउंड अगेन ऐड कर देंगे। ओके और यहाँ पे अभी हमने वैल्यू सेट नहीं किया लेआउट बैकग्राउंड की। ओके अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं इसी के अंदर, फील्ड के अंदर ही प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। ओके हम यहाँ पे कलेक्शन क्यों नहीं बना रहे प्रोडक्ट्स के, क्योंकि अगर हम कलेक्शन बनाएंगे तो हमें एक और क्वेरी जो है वो रन करनी पड़ेगी। ओके तो ये इसकी मदद से अगर हम एक और कलेक्शन बनाते हैं तो हमारा जो डेटा निकालने का जो परफॉर्मेंस है, ओके हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ फील्ड्स का यूज करके ही हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इसी के अंदर हम सेट कर देंगे। ओके जितने भी हम प्रोडक्ट्स हमारे लेआउट के अंदर शो करवाना चाहते वो यहाँ पे फील्ड्स की मदद से ही सेट कर देंगे, जैसे हमने बैनर स्लाइडर के लिए किया था। अगर हम चाहते तो ये बैनर वन बैनर टू बैनर थ्री इसकी जगह पे हम एक कलेक्शन भी यूज कर सकते थे। तो कलेक्शन में अगेन हम अलग अलग बैनर के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते और इसके मदद से क्या होता हमें अगेन पहले सबके पहले ये कलेक्शन को निकालना पड़ता हर एक डॉक्यूमेंट पे, फिर अगेन कलेक्शन के लिए एक और क्वेरी रन करनी पड़ती। तो उसकी मदद से क्या होता हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। ओके कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन हमारा परफॉर्मेंस जो है ओके वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता। ओके तो इसके लिए हमने यहाँ पे सब फील्ड्स का यूज करके ही हमने जो है सारा डेटा इसमें सेट कर दिया है जितने भी आइटम्स है। तो सेम तरीका हम यूज करेंगे हमारे लेआउट के लिए। ओके हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट व्यू लेआउट है ओके यहाँ पे ही हम सारे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ओके तो अब हम यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। ओके तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी, ओके प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी, ओके प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद ये स्ट्रिंग और अभी के लिए इसे एम्प्टी रखेंगे। ओके उसके बाद ओके यहाँ पे हम इंटीजर देना भूल गए, अगेन ये फील्ड को एडिट कर लेंगे हम। ओके डिलीट कर लेते हैं। ओके वापस से ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट आईडी वन। ओके प्रोडक्ट आईडी वन क्योंकि यहीं पे हम सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीजर देना जरूरी है, जैसे बैनर वन बैनर टू किया था वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी वन। ओके ऐड ओके उसके बाद सेम प्रोडक्ट आईडी के लिए इमेज भी जो है हमें सेट करवानी होती है, तो इमेज के लिए लिंक जो है वो सेट करेंगे यहाँ पे। तो इसका टाइटल हम देंगे प्रोडक्ट इमेज इमेज वन। ओके प्रोडक्ट इमेज वन अगेन ऐड कर देंगे। उसके बाद टाइटल देना है प्रोडक्ट टाइटल वन। ओके ओके प्रोडक्ट टाइटल टाइटल, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन ओके या फिर सब टाइटल कह सकते हैं प्रोडक्ट सब टाइटल। ओके प्रोडक्ट सब टाइटल वन एड। ओके एंड फाइनली प्रोडक्ट प्राइस वन। ओके ओके तो यहाँ पे पांचों फील्ड्स हमने ऐड कर ली। अभी ये वीडियो में हमें प्रोडक्ट आईडी का कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ ये चार के साथ काम करना है। ओके लेकिन इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके तो अभी हम जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे ओके तो आगे हमें इसका यूज करना है। तो अभी के लिए सिर्फ प्रोडक्ट आईडी को हम एम्प्टी रहने देंगे। ओके तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं वन बाय वन हम जो है बहुत सारे कितने हमारे पास सात प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे सातों प्रोडक्ट्स के लिए ऐसे फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी जो है फील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। ओके ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सातों प्रोडक्ट्स के लिए हमारे आईडी इमेज प्राइस टाइटल एंड सब टाइटल की फील्ड जो है वो यहाँ पे एड कर ली है। ओके अब हमें एक और फील्ड इसमें एड करनी है, वो होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके तो यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करेंगे और इसका नाम हम सेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और अगेन यहाँ पे हम जो है नंबर सेट करेंगे और इसकी वैल्यू दे देंगे सेवन। ओके क्योंकि हमने सेवन प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड किए हैं। ओके तो सेवन दे देंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके अब हमें वन बाय वन सबकी ये सारी फील्ड जो है वो सेट करनी है, तो वन बाय वन हम सेट कर लेते हैं। तो आईडी तो अभी हमें सेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इमेजेस सेट करते हैं। ओके तो एक न्यू टैब खोलेंगे, तो गो टू डॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंसोल पे चलेंगे और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे।
और यहाँ पे स्टोरेज में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम प्रोडक्ट्स में। ओके, तो यहाँ पे ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस, तो वन बाय वन हम सबके लिंक ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं हमारा ब्यूटी जेल। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी प्रोडक्ट है ब्यूटी जेल पहले ऐड कर लेते हैं। ओके, तो पहले है ब्यूटी जेल, तो इसकी लिंक हमें यहाँ से फाइल लोकेशन और ये डाउनलोड यूआरएल, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी, फर्स्ट स्टेप में आएंगे और प्रोडक्ट इमेज वन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, अपडेट। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट हमारा ईयरफोन्स। ओके, तो इसे भी हम जो है ऐड करेंगे, डाउनलोड यूआरएल कॉपी करेंगे। अगेन प्रोडक्ट इमेज टू पेस्ट। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी सारे प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ओके, फाइनली लास्ट हमारा डंबल्स। ओके, इसे भी ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने इमेजेस ऐड कर ली हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो है प्राइस सेट करनी है, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री और जितने भी प्रोडक्ट्स है। ओके, यहाँ पे प्राइस सेट करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे प्राइस हम सेट कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ नंबर सेट करना है हमें। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ नंबर सेट करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस दे देते हैं हमारा जो है प्रोडक्ट, हमारा फर्स्ट था हमारा ब्यूटी जेल। ओके, ब्यूटी जेल था, तो उसका हम प्राइस दे देते हैं 199। ओके, ये हमने प्राइस दिया, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स टाइप करेंगे। ओके, ओके, इसे हम नंबर भी दे सकते हैं, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही रहने देंगे इसे। ओके, इसे हम स्ट्रिंग रहने देंगे और यहाँ पे सिर्फ हम नंबर ही टाइप करेंगे। ओके, तो 19999। ओके, 1999, अपडेट। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट हमारा था ईयरफोन्स। ओके, तो ईयरफोन्स की प्राइस सेट कर देते हैं। ओके, तो ईयरफोन्स की प्राइस हम सेट करते हैं 1299। ओके, अपडेट। उसके बाद हमारा मोबाइल फोन था, तो मोबाइल फोन की प्राइस हम सेट करते हैं 2499। ओके, उसके बाद था हमारा बुक था एक। ओके, एक बुक था, तो बुक का प्राइस भी ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे 799। ओके, अपडेट। बुक के बाद था हमारा सोफा। ओके, तो सोफा का प्राइस हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 11999। ओके, उसके बाद था हमारा एक जैकेट। ओके, तो जैकेट का प्राइस हम 999 सेट करते हैं। ओके, एंड फाइनली हमारा एक डंबल्स का सेट था। ओके, तो उसका प्राइस हम सेट करते हैं यहाँ पे 899। ओके, तो यहाँ पे हमने सबकी प्राइसिंग सेट कर ली है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पे हमने सब जगह सिर्फ नंबर्स ही सेट किए हुए। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबका सब टाइटल। ओके, सब टाइटल बाद में, पहले टाइटल सेट कर लेते हैं। ओके, टाइटल यानी कि मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है। ओके, तो फर्स्ट हमारा है ब्यूटी जेल। ब्यूटी जेल, ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम हमने रखा ब्यूटी जेल, अपडेट। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट था हमारा ईयरफोन्स। ओके, तो कुछ भी ब्रांड ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ब्रांड लेंगे पता नहीं, सैमसंग लिख देता हूं मैं, सैमसंग ईयरफोन्स। ओके, सैमसंग ईयरफोन्स, अपडेट। उसके बाद थर्ड है हमारा ऑनर। ऑनर P20। ओके, ये नाम मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ओके, ऑनर। उसके बाद फोर्थ प्रोडक्ट था हमारा, फोर्थ प्रोडक्ट क्या था, बुक थी शायद तक, हाँ बुक थी एक। ओके, बुक का नाम है सिंगल माइंडेड, अपडेट। एंड फाइनली फिफ्थ हमारा है सिंगल सोफा।
ओके, उसके बाद हमारा एक जैकेट था, ओके, ट्रेंडी, जैकेट, ओके, जैकेट था या पता नहीं जो भी था, ओके, मैंने जैकेट लिखा है, ब्लेजर था शायद तक तो। उसके बाद फाइनली लास्ट हमारा प्रोडक्ट क्या था, डंबल्स, ओके, तो यहाँ पे डंबल्स लिख देते हैं। ओके, अब सही है डंबल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टाइटल्स ऐड कर लिया, अब प्रोडक्ट के सब टाइटल। ओके, प्रोडक्ट का सब टाइटल मतलब क्या, सब टाइटल मतलब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारे लेआउट में, एक इमेज, और उसके बाद ये हमारा टाइटल जो अभी हमने सेट किया, और ये हमारा सब टाइटल। ओके, सब टाइटल में जो हमें रखना हो वो हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई स्पेशल फीचर इसका शो करना हो, जैसे यहाँ पे हमने प्रोसेसर शो किया है, ओके, तो उस तरीके से हम यहाँ पे जो है उसका कुछ भी स्पेशल प्रोडक्ट या स्पेशल क्वालिटी जो होती है, ओके, वो हम यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, ओके, और फाइनली नीचे जो है उसकी प्राइस शो करेंगे, ओके, प्राइस, या फिर अगर कोई डिस्काउंट या ऑफर हमें शो करना है तो वो भी हम शो कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे प्राइस जब हम सेट कर रहे थे तो वहां पे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल यूज किया था, नंबर वेरिएबल यूज नहीं किया था, ओके, टाइप जो था वो स्ट्रिंग यूज किया है, ताकि अगर हमें इसकी जगह कोई ऑफर शो करना है तो हम ऑफर भी शो कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब वापस से हमारा जो ये सब टाइटल और प्राइस है, प्राइस तो कर लिया है, सब टाइटल सेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे सब टाइटल पे आ जाएंगे, और हमारा फर्स्ट जो था वो था ब्यूटी जेल, तो ब्यूटी जेल के लिए यहाँ पे सिंपली 20% ऑफ हम लिख देते हैं यहाँ पे, ओके, 20% ऑफ, 20% ऑफ अपडेट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड था हमारा ईयरफोन्स, ओके, और यहाँ पे वाटरप्रूफ कर देते हैं, वाटरप्रूफ, ओके, 20 मीटर्स, ओके, 20 मीटर्स वाटरप्रूफ। उसके बाद थर्ड हमारा है ऑनर, ओके, तो यहाँ पे हम उसका स्पेशल फीचर है ट्रिपल कैमरा, ट्रिपल कैमरा कर देते हैं कैमरा, ओके, अपडेट। एंड फाइनली फोर्थ है हमारा बुक था या सोफा था, बुक था, ओके, और बुक पे अगेन हम यहाँ पे ऑफर लिख देते हैं, ओके, 30% ऑफ, ओके, अपडेट। एंड फाइनली हमारा सोफा, ओके, सॉफ्ट व्हाइट वाटर रिपेलिंग, ओके, वाटर रिपेलिंग। उसके बाद सिक्स्थ हमारा था जैकेट, ओके, बाइकर्स जैकेट था या ब्लेजर था पता नहीं, जो भी था इस पे काम करते, 10% ऑफ कर देते हैं, ओके, 10% ऑफ, अपडेट। एंड फाइनली हमारे डंबल्स थे, ओके, डंबल्स, तो यहाँ पे हम रबर प्लेटेड कर देते हैं, ओके, रबर प्लेटेड, या फिर कोटेड, COATED, रबर कोटेड, ओके, अपडेट। तो यहाँ पे हमने सारा डेटा जो है वो सेट कर लिया है, टाइटल, सब टाइटल, प्राइस, इमेजेस, सिर्फ आईडीज बाकी है, और आईडीज का यूज अभी हमें नहीं करना है, और फाइनली हमें जो है हमारे लेआउट का बैकग्राउंड सेट करना है, ओके। तो ये लेआउट का बैकग्राउंड क्या होता है, ये लेआउट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने डील्स ऑफ द डे जो लिखा है, ओके, यहाँ पे हमने येलो कलर है, तो सिंपली हम येलो की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें बैकग्राउंड कलर जो सेट करना है,
ओके, ये हमारा जो मेन लेआउट है उसका अगर बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो है इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं जो हमें सेट करना हो। ओके, तो यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड कलर जो है हम सेट कर लेंगे। ओके, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम चलते यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे। ओके, यहाँ पे ये कलर हम सिलेक्ट करेंगे तो इसका कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लेआउट बैकग्राउंड है उस पर हम सेट कर देंगे कंट्रोल वी अपडेट। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमने जो है सारा डेटा जो है वो सेट कर लिया है। तो किसी आईडीज बाकी है और आईडीज का यूज अभी हमें नहीं करना है। तो फाइनली अब हम जो है कोडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पे। ओके, हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और अब सबसे पहले हमें चलना है हमारा कोड सेट करने। तो हम चलते हैं हमारे होम पेज होम फ्रेगमेंट पे। ओके, होम फ्रेगमेंट पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट क्रिएट किए थे पिछले वीडियो में। ओके, ये रहा हमारा फायरबेस कलेक्शन कैटेगरीज। ओके, और यहाँ पे पहले के दो जो हमारा ये बैनर स्लाइडर है और ये हमारा स्ट्रिप एड व्यू है। ओके, उनके लिए हमने कोड सेट कर लिया था। अब यहाँ पे हमारा थर्ड यानी कि हॉरिजेंटल प्रोडक्ट लेआउट, ओके, जिसका व्यू टाइप जो नंबर है वो 2 है, तो इसके लिए अब यहाँ पे हमें कोड सेट करना है। ओके, तो अगेन इसके अंदर हमें अगेन एक लिस्ट पास करनी है। ओके, तो इसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे स्लाइडर मॉडल के लिए लिस्ट क्रिएट की थी। तो लिस्ट, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर देता हूँ। ओके, लिस्ट, उसके बाद लिस्ट का टाइप होगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट रखेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल लिस्ट यहाँ पे नाम रखा है इतना बड़ा। उसके बाद सेम यहाँ पे वैल्यू भी सेट करेंगे इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब सेम हमें यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ बैनर सिलेक्ट किए थे, ओके, सेम इसी तरीके से हमें कोड रन करना है। ओके, तो एक काम करते हैं यहाँ से ये जो कोड है इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जैसे बैनर्स था। ओके, हमारा जो बैनर स्लाइडर का कोड है कंट्रोल सी यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें वैल्यूज चेंज करनी है तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ बैनर्स की जगह हम यहाँ पे कर देंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ओके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और अगेन यहाँ पे हम जो है हमारा जो फील्ड था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स था चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल चुका है। अब हमें अगेन एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कर देंगे कंट्रोल सी बैनर्स की जगह पेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, उसके बाद हमें अगेन ये कहाँ पे चेंज करना है ये लिस्ट जो है वो यहाँ पे पास करनी है। तो इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और स्लाइडर मॉडल लिस्ट की जगह यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा व्यू टाइप जो है वो 2 पास करना है। ओके, व्यू टाइप हमारा 2 पास करना है 2। ओके, और यहाँ पे और पैरामीटर्स भी पास करने हैं। ओके, पहले अब यहाँ पे फॉर लूप पे काम कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें जो है हर एक प्रोडक्ट की चीजें निकालनी है तो यहाँ पे हमें क्या करना है। ओके, ये पहले निकाल लेते हैं, ये पूरा फॉर लूप डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा इमेज निकालेंगे प्रोडक्ट इमेज। ओके, ये सब करने से यहाँ पे इमेज ऐड करने से पहले हमें एक और चीज करनी है, हमारे मॉडल को जो है वो इम्प्रूव करना है यानी कि करेक्शन करने है। पहले तो हम चेक कर रहे थे तो यहाँ पे हमने इमेज जो है वो हमारे रिसोर्स यानी कि इंटीजर यूज किया था इमेजेस के लिए। अब हमें स्ट्रिंग करना है क्योंकि हम लिंक जो है वो सेव करने वाले लोड करने वाले। तो हम मॉडल में चेंजेस कर लेते हैं। तो हम आ जाएंगे हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल में, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल। ओके, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट इमेज के लिए इंटीजर यूज किया था तो अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग कर देंगे उसे स्ट्रिंग।
ओके स्ट्रिंग कर देंगे, और अगेन यहाँ पे सब जगह हमें स्ट्रिंग करना है, तो स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भी इंटीजर है वहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं। ओके प्राइवेट नहीं चाहिए। स्ट्रिंग ओके यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर देंगे, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर देंगे। ओके तो हमने स्ट्रिंग कर लिया है, और अब यहाँ पे हमने आईडी भी सेट की थी, आपको याद होगा हमने आईडी भी सेट की थी, तो यहाँ पे हमें आईडी के लिए भी जो है एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ओके तो प्राइवेट अगेन स्ट्रिंग होगा वो, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी, ओके प्रोडक्ट आईडी, और इसके लिए अगेन कंस्ट्रक्टर में जगह सेट करनी है हमें, तो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर में सेट कर देंगे जगह। ओके प्रोडक्ट इमेज के पहले स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद यहाँ पे सेट कर लेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी। ओके उसके बाद अगेन इस पे गेटर एंड सेटर भी सेट करने हैं, तो यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, अरे कंस्ट्रक्टर नहीं करना था, कैंसल, ऑल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर, और हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके तो यहाँ पे मॉडल के अंदर जो चेंजेस थे वो हमने कर लिए हैं। ओके अब हमें अडेप्टर के अंदर भी चेंजेस करना है। ओके तो हमारा जो होम हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल अडेप्टर है वो ओपन करेंगे। ओके यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे एरर हमें दिख रहा है क्योंकि ये अब सोर्स जो है ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे। ओके अब यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है। ओके तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, पहले नीचे चलना है हमारी व्यू होल्डर क्लास में। ओके ये रही हमारी व्यू होल्डर क्लास, ओके यहाँ पे ये रहा हमारा सेट प्रोडक्ट इमेज। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंटीजर रिसोर्स किया था, इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके ये रहा हमारा सेट प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पे रिसोर्स की जगह हम कर देंगे स्ट्रिंग। ओके और उसके बाद अब ये प्रोडक्ट इमेज में हम इमेज रिसोर्स सेट करवा रहे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सेम ग्लाइड हमारा यूज करेंगे। ओके तो अब यहाँ पे ग्लाइड ग्लाइड डॉट विथ आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड, यहाँ पे हमारा रिसोर्स डॉट अप्लाई न्यू रिक्वेस्ट ऑप्शंस डॉट प्लेस होल्डर, अगेन प्लेस होल्डर हमारा सेम आर डॉट मिटमैप डॉट होम। ओके और फाइनली इनटू हमारा इमेज व्यू जिसका नाम है प्रोडक्ट इमेज। ओके तो यहाँ पे हमने जो है एडेप्टर के अंदर चेंजेस जो है वो कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने आईडी का यूज नहीं किया है। ओके तो यहाँ पे सिर्फ हमने मॉडल के अंदर आईडी सेट की है, बाकी यहाँ पे आईडी का अभी हम कुछ यूज नहीं कर रहे। ओके क्योंकि अभी हमें आईडी के साथ काम नहीं करना है। ओके तो अब हम आ जाएंगे हमारे होम फ्रेगमेंट और जावा पे वापिस से हमारे फॉर लूप के अंदर। ओके हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, और अब यहाँ पे हम जो है सारी चीजें हमारे लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे। ओके तो हमारी लिस्ट को हम टारगेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल लिस्ट डॉट ऐड ऐड करेंगे, और सबसे पहली चीज जो है वो हमें मॉडल, ओके मॉडल सेट करना है पहले, तो न्यू हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल। ओके मॉडल ऐड कर लिया, अब यहाँ पे पहली चीज हमें प्रोडक्ट आईडी पास करनी है, तो प्रोडक्ट आईडी हम पास करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट, और हमारी फील्ड का नाम है प्रोडक्ट आईडी। ओके सेम स्पेलिंग और सेम इनिशियल्स होने चाहिए प्रोडक्ट आईडी। ओके तो इस तरीके से हमें जो है यूज करना है। कहाँ गया हमारा, हमने नाम यहाँ पे दिए थे, अच्छा ये रहा ये बैनर, फिर एक्स की वैल्यू, फिर अगेन बैकग्राउंड इस तरीके से। ओके तो ये वापस आ जाएंगे हमारे लूप में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट, उसके बाद यहाँ पे था प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर उसके बाद प्लस एक्स। ओके, हमारा एक्स जो है वो ये एक्स है। ओके, उसके बाद यहां पे फाइनली डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर ऐड करेंगे, तो नीचे कर लेते हैं कॉमा। प्रोडक्ट आईडी, ओके सही है। ओके, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर जो है वो हमारा प्रोडक्ट इमेज है। ओके, तो प्रोडक्ट इमेज हमें अब एक्सेस करना है सेम तरीके से, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट और स्ट्रिंग फील्ड अगेन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने नाम क्या रखा था चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इमेज। ओके, सब स्मॉल केस में, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर और अगेन यहां पे प्लस एक्स। ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, अगेन नीचे सेकेंड पैरामीटर इमेज के बाद था हमारा टाइटल। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां से ये पूरा चीज कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इमेज के बाद था हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। तो डिस्क्रिप्शन मतलब हमारा सब टाइटल। ओके, तो यहां पे इमेज के बाद है हमारा टाइटल। ओके, टाइटल फिर सब टाइटल। ओके, अगेन नीचे चलेंगे, टाइटल के बाद है हमारा डिस्क्रिप्शन, पेस्ट कर देंगे और यहां पे इमेज की जगह कर देंगे सब टाइटल हमारा। ओके, अगेन नीचे चलेंगे, उसके बाद फाइनली प्राइस है हमारा। ओके, टाइटल सब टाइटल एंड प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं पांचों के पांचों जो है चीजें एक्सेस कर लिए और उसे लिस्ट के अंदर हमने सेट कर लिया है। ओके, तो ये अगेन अब फॉर लूप जो है हर एक हमारे जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे उतने नंबर वो सारे प्रोडक्ट्स का डेटा जो है वो हमारी लिस्ट में सेट कर देगा। ओके, और फाइनली यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर लूप तो हमने क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे हमें टाइप पास करना है और उसके बाद हमें जो है लेआउट का टाइटल सेट करना है। ओके, तो लेआउट का टाइटल अगेन हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में से एक्सेस करेंगे, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट, और हमने नाम क्या सेट किया था, लेआउट टाइटल। ओके, स्मॉल केस में लेआउट टाइटल, लेआउट अंडरस्कोर टाइटल। ओके, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, टाइटल के बाद यहां पे हमने जो है बैकग्राउंड कलर के लिए पैरामीटर एक क्रिएट किया था। ओके, शायद तक नहीं किया है, अभी हम कर लेते हैं। हम चलेंगे हमारे होम पेज अडेप्टर पे। ओके, होम पेज अडेप्ट नहीं, होम पेज मॉडल मॉडल पे चलेंगे, होम पेज मॉडल। ओके, इसे ओपन करेंगे, होम पेज मॉडल, और यहाँ पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट है। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो ही पैरामीटर सेट किए हुए, टाइटल। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में टाइटल, टाइप टाइटल और लिस्ट हमारी। ओके, टाइप टाइटल और लिस्ट, तो टाइप टाइटल और लिस्ट, और एक और पैरामीटर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड का यूज भी हम करेंगे ताकि हम जो है बैकग्राउंड कलर सेट कर सके। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड आप देख सकते हैं अगर हम स्ट्रिप एड में आते हैं तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड कलर करके यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो अब हम इसे कॉमनली यूज करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, यहाँ से इसे कट करेंगे, स्ट्रिप एड में आएंगे, यहाँ से कट करेंगे और ऊपर चलेंगे और यहाँ पे जो हमने टाइप जो है टाइप के नीचे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम इसे यूज करेंगे हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट में। ओके, तो यहाँ पे एक फोर्थ टाइटल के बाद यहाँ पे लिस्ट, टाइटल और लिस्ट के बीच में थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हम जो है बैकग्राउंड कलर
का पैरामीटर क्रिएट करेंगे, बैकग्राउंड कलर। ओके, अगेन इसे कंस्ट्रक्टर में इंक्लूड करेंगे। दिस डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर। ओके, बाद में इसके गेटर एंड सेटर बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए। ओके, ये रहा गेट बैकग्राउंड कलर एंड सेट बैकग्राउंड कलर। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं वापिस से। पहले इसका कोड भी हमने सेट करना पड़ेगा। ओके, बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए तो पहले हम एक काम करते हैं, पैरामीटर जो है वो पास कर देते हैं, हमारा होम फ्रेगमेंट पे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइटल एक्सेस कर लिया, होम फ्रेगमेंट पे आ जाएंगे, टाइटल एक्सेस कर लिया, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट करेंगे। तो अगेन डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट, और यहाँ पे हमारा जो है लेआउट बैकग्राउंड। ओके, लेआउट बैकग्राउंड, लेआउट लेआउट बैकग्राउंड। ओके, लेआउट बैकग्राउंड और फाइनली डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, लेआउट बैकग्राउंड यहाँ पे हमने जो है वो भी पास कर लिया है। तो यहाँ पे अब जो है हमारा कोड फिनिश हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे अगेन ये स्पेस जो है वो हटा लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने जो है कोड फिनिश कर लिया है, और अब हम जो है हमारे बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें अडेप्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो हम अडेप्टर में आ जाएंगे, हमारे होम पेज अडेप्टर में। ओके, होम पेज अडेप्टर हमें ओपन करना है, होम पेज अडेप्टर। ओके, और यहाँ पे हमारा जो क्लास था हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट का, ओके, वो क्लास हम ओपन करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे चार क्लासेस क्रिएट किए थे हमारे होम पेज अडेप्टर में, तो हम थर्ड क्लास में आ जाएंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट व्यू होल्डर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेआउट का टाइटल सेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बटन बटन को सेट कर रहे हैं और रिसाइकलर भी को सेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो लेआउट है उसका बैकग्राउंड भी सेट करना है। तो हम पहले हमारा लेआउट फाइल ओपन करेंगे और वहां पे आईडी सेट करेंगे। तो लेआउट डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल लेआउट, ओके, इसे ओपन करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल लेआउट। ओके, यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा जो मेन लेआउट है, ओके, कंस्टेंट लेआउट, उसको हमें आईडी देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जो मेन रूट लेआउट है उसकी आईडी हम सेट करने वाले हैं। ओके, तो इसकी आईडी हम सेट कर देते हैं कंटेनर, ओके, कंटेनर, इसकी आईडी हमने सेट कर लिया कंटेनर। ओके, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो हमें जो है बैकग्राउंड टिंट सेट करना है कोड के थ्रू। ओके, तो अगेन इसे अब हम क्लोज कर सकते हैं। ओके, आईडी हमने कंटेनर दी है, जिसके अंदर हमने सी कैपिटल कर दिया है, तो यहाँ पे सी जो है वो स्मॉल रखना है। ओके, तो यहाँ से सी जो है वो स्मॉल कर देंगे कंटेनर आईडी में। ओके, तो अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, और वापिस से हम चलते हैं अडेप्टर पे, हमारा होम पेज अडेप्टर। ओके, हमने गलती से होम पेज अडेप्टर को क्लोज कर दिया, कोई नहीं, होम पेज अडेप्टर पे वापिस से चलते हैं, होम पेज अडेप्टर। ओके, और यहां पे हमें सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारी थर्ड क्लास पे, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट व्यू होल्डर। ओके, इस पे आ जाएंगे, और यहां पे हमारे मेन जो लेआउट है कंस्टेंट लेआउट, उसको एक्सेस करेंगे प्राइवेट, और वो है हमारा कंस्टेंट लेआउट। ओके, कंस्टेंट लेआउट, और नाम रखेंगे इधर भी कंटेनर। ओके, उसके बाद इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन कर लेंगे, कंटेनर इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। आर डॉट आईडी डॉट कंटेनर। ओके, कंटेनर, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे बैकग्राउंड टिंट सेट करना है। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा सेट हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लेआउट। ओके, यहाँ पे एकदम ऊपर चलेंगे। ओके, यहाँ पे टाइटल जहाँ पे सेट करते हैं उससे भी पहले, और यहाँ पे हमारे कंटेनर पे हम बैकग्राउंड टिंट सेट कर लेंगे। तो
तो सेट बैकग्राउंड टिंट लिस्ट, ओके, सेट बैकग्राउंड टिंट लिस्ट, ओके, कलर स्टेट लिस्ट डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे जो है इंटीजर कलर, कलर हमें पास करना है, कलर डॉट पार्स कलर, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा बैकग्राउंड कलर, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हम जो नाम है वो कलर करके एक पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे, ओके। ये हमारा जो मेथड है जिसमें हम लिस्ट पास कर रहे हैं, लिस्ट और टाइटल, ओके, लिस्ट टाइटल, और फाइनल लास्ट में एक और पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे स्ट्रिंग, और नाम रख देंगे कलर, ओके। अब ये कलर जो है वो हमें लिस्ट में से भी निकालना पड़ेगा, ओके। तो हम बाइंड व्यू होल्डर पे आ जाएंगे, मेथड ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ओके। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड केस है हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट व्यू, ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है, जब हम लिस्ट पास करते हैं, ओके, यहाँ पे हमें कलर भी जो है निकालना पड़ेगा टाइटल के पहले। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नाम रखेंगे कलर इक्वल टू, ओके, हमारा होम पेज मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन पास करेंगे, डॉट गेट बैकग्राउंड कलर, ओके। और यहाँ पे हमने लास्ट पैरामीटर जो है वो कलर सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे कलर पास कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने जो है सारे चेंजेस कर लिए, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है, कलर डिफाइंड इन द स्कोप, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कलर सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कलर की जगह कर देते हैं लेआउट कलर कर देते हैं, ओके ओके, लेआउट कलर कर देते हैं, और इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लेआउट कलर, ओके। नाम सिर्फ चेंज किया है हमने, ओके। अब यहाँ पे हमें एक और एरर शो हो रहा है, और वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने जो है सेम मॉडल यूज किया है हमारे ग्रिड प्रोडक्ट लेआउट के लिए। तो यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इमेज रिसोर्स जो हमने सेट किया था वो यहाँ पे अब एरर शो हो रहा है, ओके, क्योंकि वो एक इंटीजर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट इमेज रिसोर्स है इसकी जगह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा ग्लाइड का यूज कर लेंगे, ओके, हम ग्लाइड का यूज कर लेंगे। तो ग्लाइड डॉट विथ आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड, और यहाँ पे हमें जो है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एडेप्टर वेडेप्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो हमारी इमेज यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो हमें यहाँ से लिस्ट में से यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिस्ट पास किया, तो ये लिस्ट में से ही जो है हमें एक्सेस करना है, ओके। ये हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल लिस्ट, ओके। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल मॉडल लिस्ट डॉट गेट, उसके बाद हमने पोजीशन भी पास की होगी, ओके, चेक करना पड़ेगा, इसमें हमें जो है चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी इस लाइन को रहने देते हैं, ओके, इसे कमेंट कर देते हैं, ओके। अभी हम ग्रिड लेआउट के लिए कुछ नहीं कर रहे, ओके, इसे अभी कमेंट कर देते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, जहां पे एरर था, ओके। तो यहाँ पे अब एरर चला गया है, ओके। अब हम चलते हैं वापस से हमारे होम फ्रेगमेंट पे, ओके, और यहाँ पे भी हमने कोड जो है वो सेट कर लिया है, ओके। तो अब एक बार इसे रन करके देखते हैं, तो मैं अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे बिल्ड में एक एरर आया है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरर, ओके, तो यहाँ पे एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने चेक करने के लिए एक लिस्ट बनाई थी, और जिसके अंदर हमने मॉडल्स के पैरामीटर जो है वो चेंज कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये लिस्ट के आइटम जो है वो अभी डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ओके। व्यू ऑल एक्टिविटी में एरर है, तो यहाँ से हटा लिए और एरर चला गया है, ओके। अब वापिस से रन कर लेते हैं, ओके। एक और एरर यहाँ पे सामने आया है, और वो है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे, ओके, वो है ग्रिड प्रोडक्ट लेआउट अडेप्टर में, ओके। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो इमेज रिसोर्स सेट किया था हमारे ग्रिड प्रोडक्ट लेआउट अडेप्टर में, ओके, उसका हमने जो है टाइप चेंज कर दिया है इमेज का। तो अभी इसे इसे यहाँ पे भी अभी जो है हम कमेंट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे भी हमें ग्लाइड का यूज करना है, ओके। अगेन वापिस से रन कर लेते हैं, ओके। तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट जो है वो लोड हो चुके, और ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो हमने सेट किया था। ओके, और उसके बाद हमने नीचे एक स्ट्रिप पैड जो है वो नीचे ले ली थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट शो हो रहे। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज किया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज की साइज है वो बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर दिख रहा है हमारा लेआउट। ओके, जो हमारा ये आइटम लेआउट है, ओके, वो चेंज कर लेंगे हम। और बाकी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये रहा हमारा ऑनर P20 Elite, और उसके बाद सिंगल माइंडेड हमारी बुक एंड सोफा। अगेन इसका लेआउट जो है, आइटम लेआउट वो चेंज हो चुका है, थोड़ा सा इम्प्रॉपर दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से लोड हो चुके हैं। और अगेन एक और चीज हम यहाँ पे करना सेट करना भूल गए, हम जब टैग सेट करते हैं तो यहाँ पे हमें रुपीज और वो एडेप्टर के थ्रू हमें लगाना होता है। ओके, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं प्राइस वाइज कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली 199 और 1299 ये सब दिख रहा है। ओके, डायरेक्टली वैल्यू दिख रही है हमें। ओके, तो ये दोनों चेंजेस जो है वो हम कर लेते हैं। ओके, ये डील्स ऑफ द डे, ये भी हमने जो है सेट हमने टाइटल जो है सेट किया था, लेआउट टाइटल। ओके, तो ये भी हम जो है चेंज कर लेते हैं अभी के अभी। ओके, तो सबसे पहले क्या हमें आइटम लेआउट में चेंज करना है। ओके, ये जो है अब इम्प्रॉपर दिख रहा है, तो हम आइटम लेआउट पहले चेंज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स सॉरी प्रोजेक्ट पे चलते हैं और लेआउट पे चलते हैं, और हमारा आइटम था हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आइटम लेआउट। ओके, इसे ओपन करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आइटम लेआउट। ओके, और ये रहा हमारा प्रोडक्ट इमेज। ओके, ये इमेज, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने हाइट एंड विड्थ तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज करनी है, स्केल टाइप कर देना है, स्केल टाइप, और यहाँ पे हम फिट सेंटर कर देंगे। ओके, फिट सेंटर स्केल टाइप। ओके, तो अब वापिस से रन करके देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। ओके, एडेप्टर में भी चेंज कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे इमेज का जो प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, अब चेक कर लेंगे। और उसके अलावा रुपीज में यहाँ पे प्रॉब्लम था। ओके, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज दिख रही थी, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे एडेप्टर में। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल अडेप्टर, इसे ओपन करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्क्रोल अडेप्टर। और यहाँ पे हम जहाँ पे सेट प्रोडक्ट प्राइस, ये रहा ये मेथड पे आ जाएंगे नीचे, सेट प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे सिंपली हम प्राइस सेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रुपीज डॉट, ओके, इस तरीके से, उसके बाद फिर प्लस प्राइस प्लस, और अगेन यहाँ पे इस तरीके से जो है सेट कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पे रुपीज आगे दिखेगा। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से हमारी साइन दिखेगी। ओके, स्लैश एंड माइनस। ओके, तो अब वापिस से रन करके देखते हैं। ओके, हमारा ऐप अगेन लॉन्च हो चुका है। ओके, और इस बार भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। ओके, रुपीज वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, यहाँ पे हमारा लेआउट जो है वो अभी भी जो है इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, इमेज की वजह से। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम इमेज की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है ये टेक्स्ट व्यू की मदद से हो रही है। ओके, इस पे हमारा ध्यान ही नहीं गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो है वो काफी बड़ा है। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा लेआउट यहाँ पे एक्सपांड हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो है वो चेंज कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू को। तो वापिस से आइटम लेआउट पे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आइटम लेआउट। ओके, और यहाँ पे हमारा जो ये टेक्स्ट व्यू है, टाइटल टेक्स्ट व्यू, ओके, इसका हमने हाइट और विड्थ यहाँ पे हमने रैप कंटेंट सेट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो विड्थ है उसे हम मैच पैरेंट सेट कर देंगे। ओके, डिजाइन टैब पे आ जाते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, मैच पैरेंट की जगह हम कर देते हैं मैच कंस्ट्रेंट। ओके, अब सही है, मैच कंस्ट्रेंट। और इसका भी सेम हम कर देते हैं, हमने यहाँ पे जो यूज किया हमारा ये डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट, ओके, इसका भी हम विड्थ मैच कंस्ट्रेंट कर देते हैं। ओके, और सेम प्राइस के लिए भी मैच कंस्ट्रेंट। ओके,
अब वापिस से चेक कर लेते हैं। और चेक करने से पहले हमारा जो लेआउट का बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वो येलो जो है वो एकदम बेकार लग रहा है। ओके, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ पे ये कलर सेट कर लेते हैं, ये ब्लू वाला। ओके, तो यहाँ से कंट्रोल सी, उसके बाद चलते हैं हमारे डेटाबेस में और यहाँ पे जो लेआउट कलर है, लेआउट बैकग्राउंड, वो हम चेंज कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे हमारा ब्लू कलर, पेस्ट कर देंगे अपडेट। ओके, अब वापिस से ऐप को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अगेन हमारा जो आइटम लेआउट है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इसकी हाइट में प्रॉब्लम आ चुकी है आप देख सकते हैं, और इसका रीजन एक ही है, हमारे टैक्स जो है वो काफी बड़े बड़े हम सेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस तरीके से छोटे टैक्स जो है वो सेट करने चाहिए। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी तो ये प्रॉब्लम जो है हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका जो हाइट है लेआउट का वो मैच पैरेंट सेट करके देखते हैं। ओके, तो अगेन हम लेआउट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसका रूट लेआउट, ओके, उसका जो हाइट है वो मैच पैरेंट सेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने मैच पैरेंट सेट कर दिया है, और अब जो है इसे रन करके देखते हैं हम। ओके, हमारा ऐप अगेन लॉन्च हो चुका है। ओके, तो फाइनली इस बार जो है हमारे सारे आइटम लेआउट जो है वो एकदम इक्वल दिख रहे हैं। ओके, हाइट एंड विड्थ में, लेकिन फिर भी ये थोड़े से वियर्ड दिख रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए तो ये काफी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये यहाँ पे टेक्स्ट हम सेट करते हैं। ओके, जब हम हमारा एडमिन पैनल बनाएंगे, ओके, एडमिन पैनल पे काम करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस पे जो टेक्स्ट सेट करते हैं, ओके, उसका एक नंबर सेट कर देंगे। ओके, यानी कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हैं हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हैं वो हम इस टेक्स्ट के अंदर सेट नहीं कर सकते। ओके, तो वो सेम जो है हम ये तीनों टेक्स्ट उसके लिए यहाँ पे एक चेक लगा देंगे। ओके, जब हम एडमिन पैनल क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो है लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्स्ट ही जो है इनकी तरह, ओके, इनकी तरह लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सेट हो पाएगा, और हमारा जो लेआउट है वो एकदम अच्छे तरीके से शो होगा, इस तरीके से ज्यादा लंबा शो नहीं होगा। ओके, तो वो अब जब हम एडमिन पैनल क्रिएट करेंगे तब हम जो है क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक कैरेक्टर चेक लगा देंगे, जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं और यहाँ पे जब टाइटल सेट करते हैं उस टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम जो है आसानी से डील्स ऑफ द डे जो भी हमारा लेआउट है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन या क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।